सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्रियों के विभाग की मीटिंग भी चल रही है, आइए आपको सीधे ले चलते हैं वहीं पर। आमूल चूल परिवर्तन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी या हमारी जो सामान्य नागरिक की उपभोक्ता की जो शिकायतें होती थी कि भाई तार टूट जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, इस समस्या से हम हमेशा हमेशा के लिए शायद राज्य को बाहर लाने में सफल होंगे। इतना ही नहीं, हम एक योजना और चला रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की सहायता से भी हम एक योजना चला रहे हैं जिसमें मजरों में छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनमें जो एक मिनिमम 1000 की बस्ती से ज्यादा वाले गांव को हमने पहले लिया है, तो ऐसे मजरों में भी जो तार झूलते लटकते रहते हैं, गले हुए सड़े हुए व्यवस्थाएं हैं, उनको बदलने के लिए हमने ADB की सहायता से एक मुहिम चलाई है। उसमें भी काफी अच्छा काम हो रहा है और एक काम और हम करने का हमने ठाना हुआ है, उसमें थोड़ी प्रगति हुई है, आने वाले दिनों में 6 महीने में हम उसमें और प्रगति करेंगे। वो ये है कि किसानों की का जो फीडर होता है, किसानों को जो बिजली देने का जो लाइन होती है उसको अलग करना, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए बरसात कम हुई, सूखे की स्थिति आती है, तो अगर हम किसान को बिजली ज्यादा देना चाहते हैं, जब तक वो फीडर अलग नहीं होगा तब तक हम किसान को बिजली अलग से नहीं दे सकते ज्यादा। वो बिजली जाएगी तो सबको जाएगी, नहीं जाएगी तो किसी को नहीं जाएगी। तो इस आशय से किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सके, उनके समय पे की जा सके, रात में चाहिए तो रात में, दिन में चाहिए तो दिन में की जा सके, इस आशय से हम उसका कृषि के जो फीडर है उनको अलग करने का हमने बीड़ा उठाया है और उस कार्य में भी अच्छी प्रगति हो रही है। कुछ कार्य हुआ है लेकिन आने वाले 6 महीने में उसमें और तेजी लाते हुए हम और भी उसमें जल्दी काम करने वाले हैं। उसी प्रकार ट्रांसमिशन की लाइनें, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सब स्टेशन अलग अलग क्षमता के हमने 100 दिन में भी बनाए हैं और आने वाले 6 महीने में भी हमारा वो सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की लागत से हम ऐसे कई सब स्टेशन हमने बनाने का सोचा हुआ है। उसी तरह हमारा विचार है कि राज्य का जो एनर्जी मिक्स, जिसको बोलते हैं एनर्जी मिक्स का मतलब कि कितनी ऊर्जा थर्मल से आएगी, तापीय से आएगी, कितनी सोलर से आएगी, कितनी हाइड्रो से आ सकती है या अन्य किसी स्रोत से आ सकती है, तो उसका हमें अब समय आ गया है कि मात्र तापीय ऊर्जा या मात्र थर्मल पे आधार न रखते हुए हम अपना सोलर का जनरेशन बढ़ावें या सोलर की जहां जहां संभावनाएं हैं, कहीं रूफटॉप को हम सोलर से कर सकते हैं, कहीं इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कर सकते हैं, कहीं म्यूनिसिपलिटी की स्ट्रीट लाइट को हम सोलर से चला सकते हैं, तो ये सब करते हुए राज्य का जो एनर्जी मिक्स है उसको हमें ठीक करना है। मतलब कुल मिलाकर के अतिरिक्त ऊर्जा हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें अपनी खपत में डालनी है। दूसरा कि आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस के चलते नई तापीय परियोजनाएं खड़ी कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग काम हो गया, लेकिन जो परियोजनाएं हैं उनका हम एक्सटेंशन जरूर करेंगे या उनका हम PLF जरूर बढ़ाने का कोशिश करेंगे, उनकी इफिशियंसी उनको बढ़ा करके उनको मॉडर्नाइज करने का हमारा इरादा है। कुल मिलाकर के ऊर्जा की जो पूरी व्यवस्था है, एक तरफ जहां इमीडिएट जो चुनौती है, अभी की जो चुनौती है उसको पूरा करते हुए हम अपनी व्यवस्थाओं को, जो एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सुदृढ़ बनाते हुए आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में राज्य की जनता को हम क्वालिटी पावर दे सकें, 24/7 पावर दे सकें और उसमें इंटरप्शन न हो, इस तरह का पावर दे सकें, ये करना हमारी नेम है, हमारी नियत है, हमारा लक्ष्य है। आप सबने ऊर्जा विभाग की बातें सुनी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नगर विकास की भी बात कर लूं, फिर एक साथ आपकी आपके प्रश्न हम ले लेंगे। अरे भाई प्रश्न दो, प्रश्न हो रहा है। अब मैं ऊर्जा विभाग की बात पूरी करते हुए अब मैं नगर विकास विभाग की थोड़ी बात कर लूं, उसके बाद आपके आपके सारे प्रश्न
हम जरूर सुनेंगे। मित्रों, नगर विकास विभाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो फोल्डर होंगे। अभी इस तरह का आप ले ले हाथ में, ऊर्जा नगर विकास, ये नगर विकास विभाग का एक छोटा है, एक बड़ा, एक शार्ट है, एक वन पेजर है, एक बड़ा है। इस तरह के दो डॉक्यूमेंट आपको मिले होंगे, दोनों ले लें। एक थोड़ा विस्तृत है और ये छोटा वाला है, ये वन पेजर। ऊर्जा के भी है, ऊर्जा और नहीं डाल, उसी में दोनों है भैया। ऊर्जा वाला आ रहा है, तो अभी आप जरा नगर विकास का देख ले। ऊर्जा वाला आज बहुत पहुंच ही रहा है आपके पास पहुंच ही रहा है। व्यवस्थापक से अनुरोध है कि यार देख लेंगे इधर मीडिया।